व्हाट्स अप गाइस, समीत हियर। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको लग रहा होगा कि आज मतलब ठंड है, बट मुझे थोड़ी सी गर्मी हो रही थी, तो फिर हमने सोचा कि आज का जो क्या है, आज है संडे, तो आज हमने प्लान किया था कि इससे पहले मैंने ब्लॉग बनाया था कार का, बट वो नॉर्मल कार थी, एक एवरेज कार। बट मैंने सोचा कि हर इंसान चाहता है कि थोड़ी सस्ती कारें हों, वो ज़्यादा महंगी ना हो, मतलब कि हर कोई अफोर्ड कर पाए, क्योंकि नई कार ऑलमोस्ट महंगी आती है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि जो सबसे सस्ती कार है, मतलब मिनिमम वो जो रेंज स्टार्ट होगी ना, वो ओनली 50,000 से स्टार्ट होगी। तो ईजिली आप यहाँ पे आइए और कार लेके जाइए। तो फिर अभी हम आपको जहाँ पे कलेक्शन आया है, यहाँ पे आपको टॉप मॉडल से लेके और एक सबसे लोएस्ट में सारी कारें हैं। ऑलमोस्ट आपको पीछे दिख रहा होगा, ये सारी छोटी कारें हैं, और इससे उस साइड जो है, जो नया दूसरा सेक्शन है, वहाँ पे बड़ी महंगी कारें हैं, जैसे कि BMW हो गया, बेंज वगैरह हो गया। तो अभी हम आपको सिंपल सी कारें दिखाते हैं जो कि लो बजट में, कि आप नॉर्मली आप इसे आएँ और लेके जाएं। और जो कंडीशन है बहुत ही अच्छी है, मतलब ज़्यादा ऑलमोस्ट ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, मैक्सिमम जो है ज़्यादा 2 साल 4 साल 5 साल पुरानी है। कि हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो पीछे आपको दिख रहा है, ये वैगनार हो गई, ये मारुति सुजुकी हो गई, और ये फोर्ड की हो गई। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी कार हैं, तो हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं कि कौन सी कार कितनी पुरानी है, कितनी चली हुई है, कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, और वो कैसी है। तो वो सारी चीज़ हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल जो हमारे यहाँ के ओनर है, भैया हैं, उनसे हम आपको मिलाएंगे, वो सारी चीज़ आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा, आप सिनेमैटिक शॉट्स इन्जॉय करिए, कि ताकि आपको पता चले, कि आइडिया चले कि कौन कौन सी कारें यहाँ मिलती हैं। 2000 आज हम आपके यहाँ शॉप पे आए, तो सुना है कि आपके यहाँ सस्ती सस्ती कारें मिलती हैं। जी भैया, बिल्कुल सही सुना आपने। हाँ, तो कितने से स्टार्ट होती है आपके यहाँ कार? भैया स्टार्टिंग जो है 50,000 से। 50,000? जी भैया। तो 50,000 में अच्छी रेंज है या फिर ऐसे ही काम चलाओ? नहीं नहीं भैया, अच्छी रेंज है, और क्या, बढ़िया बढ़िया गाड़ी दिखाएंगे आपको। 50,000 है, 65,000 है। कौन कौन सी कार मिलती है आपके यहाँ पे? भैया सारी गाड़ियाँ मिलेंगी आपको, कस्टमर जो भी, मतलब कस्टमर की जो डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग सारी गाड़ियाँ। स्विफ्ट डिजायर हो गया, वैगनार हो गया, डिजायर है, स्विफ्ट है, महिंद्रा स्कॉर्पियो XUV, सारी गाड़ियाँ, मतलब छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, सारी सेगमेंट है। फिर पेमेंट मोड कैसे होगा आपका? पेमेंट भी आपके अकॉर्डिंग है, आप चाहो तो कुछ डाउन पेमेंट करो, बाकी मैं लोन करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, EMI के भी ऑप्शन है आपके पास? जी भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर कभी कभी क्या होता है, हमारे पैसे नहीं होते। जी भैया, तो फिर हम यहाँ पर लोन भी हम ले सकते हैं, ला सकते हैं आप, मतलब जी। तो EMI वाला ऑप्शन है? जी भैया, बिल्कुल, ये अच्छी बात है। तो बाकी अगर कोई, जो भी दूर से कोई देख रहा, तो वो कैसे लेके जा सकते हैं, मतलब पैन इंडिया से मान लीजिए कहीं और से है? देखो भैया, एक्चुअली में ये ना गाड़ी ऐसी चीज़ है कि मतलब कस्टमर जो है फोटो पे वॉच नहीं कर सकते, मतलब कि फोटो के अकॉर्डिंग वो नहीं चल सकते, राइट। एक बार उनको आना पड़ेगा यहाँ पे, गाड़ी वो देखें, टेस्ट राइड लें, चलाएं अपने अकॉर्डिंग। बाकी ये ऑप्शंस बहुत सारे हैं हमारे पास, हम प्राइवेट फाइनेंसर भी हैं हमारे पास, और भी हैं, तो उनके थ्रू हम करवा देते हैं लोन वगैरह। ये बहुत अच्छी बात बोली भैया ने, कि अगर आपको कार पसंद आ रही है, तो सबसे बेटर है कि आप यहाँ पे आके देखें पहले, उसे टेस्ट ड्राइव लें, देन आप उसे आप करें कि हाँ उसे लेना है, क्योंकि फोटो में तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अभी हम आगे आपको दिखाते हैं, जैसे कि अभी सारी चीज़ बता दिए, इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वगैरह आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल करिए। 2000 years later। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया, कौन सी कार आप दिखाना चाहेंगे पहले? ये टाटा नैनो है, 2012। हाँ, फर्स्ट ऑनर, 16,000 किलोमीटर चली है गाड़ी। ये वाली? जी बिल्कुल। ओके, येलो, येलो तो बहुत प्यारा इसका कलर है। बिल्कुल सर, गाड़ी बहुत अच्छी है, बाकी इसमें गाड़ी में हल्की फुल्की टचिंग है, और बाकी सब कुछ इंजन मैकेनिकल वगैरह सब एकदम परफेक्ट है गाड़ी, मतलब परफेक्ट है। बिल्कुल भैया, तो यहाँ पे क्या सीन है कि ये जो जितनी भी कार पीछे लगी हुई है, ऑलमोस्ट मतलब 2015 मॉडल, 16 मॉडल, 17 मॉडल मैक्सिमम यही है, बट ये जो है, ये है जो इनका, जो ये जो प्राइस है, ये 70,000 rupees, ओनली 70,000 है। ये है 2009 मॉडल है ये वाला, और इसके बगल में ये स्विफ्ट डिजायर जो है, ये सुजुकी की, ये इसका इंटीरियर, जो इंटीरियर तो बहुत अच्छा है इसका, बाकी इस जगह देखा इंटीरियर एकदम इंटीरियर अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्विफ्ट डिजायर है? स्विफ्ट डिजायर जी सर। कौन सा मॉडल है? 2015। तो ये चला कितना हुआ है? 71,000। 71? हाँ जी। अंदर की कंडीशन कैसी है इसकी? इंटीरियर बहुत अच्छा है। तो भैया ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत हुई तो फिर ऐसे? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास कंडीशन है गाड़ी की। तो इसका इंटीरियर आपको दिखाते हैं, और ड्राइवर साहब
इंटीरियर बताओ, इंटीरियर कैसा है इंटीरियर इसका? बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, मतलब बैठने के बाद फीलिंग अच्छी आ रही है इसके अंदर। अच्छा, पहली बार बैठे हो? पहली बार? जी हाँ, इसीलिए। सो तो अभी आपने जो देखा ये स्विफ्ट डिजायर 2015 मॉडल, और ये अभी क्या था कि कस्टमर ऑलरेडी से मतलब बाई हो चुकी है, मतलब लोग उन्हें खरीद चुकी हैं, तो थोड़ा सा वो स्टार्ट थी, चलने वाली है वो। तो अभी हम आपको दूसरा एक सेकंड मॉडल दिखाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ की रेंज है ना वो 70,000-90,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इसके ऊपर ही जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कार नहीं मिलेगी, आपको जो भी कार चाहिए तो यहाँ पे आके और कॉन्टैक्ट करिए, उन्हें बताइए कि सर मुझे ये वाली कार चाहिए, तो पर्सनली आपको वो कार अवेलेबल हो जाएगी, देन आप यू कैन बाई इट, आप उसे खरीद सकते हैं। क्योंकि यहाँ मैंने देखा है ना कि बहुत डेली यहाँ पे कस्टमर है, जैसे कि मैंने पूछा सर से, उन्होंने बताया कि यहाँ पे 1-2 कार डेली सेल होती है, तो कहीं ना कहीं आपको पता है अगर सेल हो रही है तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है, तभी यहाँ पे सेल हो रही है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि आपको यहाँ पे कार लेनी है तो आपके आइए और विजिट करिए पहले, देन आप तभी बाय करिए, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है ऑलमोस्ट जो कार मैंने देखी है ना बहुत अच्छी है। तो अभी 1-2 और कार हम आपको दिखाते हैं जो कि थोड़ा कम से कम रेंज में। ये कार बहुत अच्छी लग रही है आपकी, ये कौन सा मॉडल भैया? ये सर 2010 मॉडल है। हाँ, और अच्छी कंडीशन में है गाड़ी। अच्छा, क्या है मतलब, पेट्रोल CNG दोनों है? नहीं, डीजल ओनली। डीजल वेरिएंट। इंटीरियर दिखाओ इसका, कैसा इंटीरियर? हेलो, इंटीरियर बता तू कैसा है इसका? बहुत बढ़िया है इंटीरियर के अंदर, मतलब अंदर से तो बिल्कुल मस्त, कहीं से कोई टूटा फूटा कुछ अलग इंटीरियर, कोई दिक्कत नहीं। 2000 years later. तो अभी हम लोग आपको ऑलमोस्ट कम से कम 3 कार दिखा चुके हैं जो कि 70,000 यानी 1 लाख समथिंग इतने में ही यहाँ पे है, बट इससे और जितनी भी कारें हैं सब वो हाई रेंज की हैं, तो वो भी हम आपको आगे आगे दिखाएंगे। तो अभी फिलहाल क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, स्विफ्ट डिज़ायर हो गया या फिर i10 हो गया, ये नॉर्मल कार लेते हैं, तो ये रेंज भी बहुत अच्छी है। रेनॉल्ट की है, तो ऑलमोस्ट अभी सबसे अच्छी बात है ना, छोटी छोटी कारें नहीं, बड़ी बड़ी कारें यहाँ पे जो महंगी होते हैं ना, 5 लाख-7 लाख होती हैं वो, मतलब 4 सीटर हो गया नॉर्मली। 2000 years later. So, सीन ऐसा है कि अब जो इसके बाद वाला ब्लॉक आएगा ना वो थोड़ा मर्सिडीज पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे BMW, बेंज और वो और भी बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ होती है ना, बहुत सारी, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी, तो वो हम आपको दिखाएंगे इससे सेकंड ब्लॉग में। तो पहले सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि ताकि हम और भी वीडियो अच्छी बना पाएँ। सो सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो।